So basically, we'll be looking at these two particles, right? As you can clearly see, one of them is performing UCM, while other is performing oscillation. So आपका जो सर्कल पे आज जो गोल गोल घूम रहा है वो UCM परफॉर्म कर रहा है, और सेंटर में जो है वो आपका ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है. सो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्शन है, जो पार्टिकल जैसे रॉड का जो और टॉप मोस्ट पार्ट जो टिप है उसका, जो कि UCM परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो शैडो बनेगा सेंटर में ऑसिलेशन का, है ना, जो कि आपका क्या हो गया कि आपके शैडो का टिप है वो आपका ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है. सो इसी बेसिस पे कुछ चीज़ें देखेंगे हम. जैसे एक चीज़ अभी से ध्यान में रख लो कि जब भी हमारा पार्टिकल ये जो हमारा UCM परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे रॉड का टिप हो गया जैसे, ठीक है, वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वो अपना एक UCM कंप्लीट करेगा, राइट, तो उसने कितना एंगल कवर किया रहेगा, 2π बराबर. उतने में आपका ये जो पार्टिकल जो मेन पोजिशन में था, क्योंकि ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, क्योंकि शैडो बढ़ेगा आपका, बराबर. तो ये दोनों ऐसे मूव करेंगे, और यहाँ से वापस यहाँ से ये ऐसे जाएंगे, और यहाँ से वापस ये नीचे मिलेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे. तो कैन आई से व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM कंप्लीट्स 2π यानी आपका एक उसका जब सर्कल कंप्लीट करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तब तक उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π का हुआ रहेगा. सेम टाइम में आपका एक पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, इट विल कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन. अगर आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लेते हो ना, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, थिंग्स विल बी लॉट ईजियर फॉर यू, इफ आपके दिमाग में लॉजिक बैठ जाता है. जब भी आपका पार्टिकल जो UCM कर रहा है एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी एक पूरा UCM, एक पूरा आपका सर्कल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके वापस अपनी जगह पे आएगा, तो वो एंगल ट्रेस करेगा 2π, रेडियन में 2π, डिग्री में 360. और सेम टाइम में आपका पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसने भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया रहेगा, विच मीन्स वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2π, राइट. सो जब भी एक ऑसिलेशन होता है, हम बोल सकते हैं फेस कवर हुआ है 2π का. इस पर आते थोड़ी देर में वापस, ठीक है, बट स्टिक विद दिस लॉजिक. एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो 2π, राइट, दो ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो 4π, तीन कंप्लीट होगा तो 6π, एंड सो ऑन, यू नो द ड्रिल. अब इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं. अगर एक ऑसिलेशन हुआ है तो मेरा हो गया 2π. अगर आपका आधा ऑसिलेशन हुआ है तो कितना होगा? वन ऑसिलेशन इज 2π, विच मीन्स हाफ ऑसिलेशन इज π, बराबर. चेक करें, लेट से आपका पार्टिकल हाफ ऑसिलेशन क्या हो गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाए, पूरा ऑसिलेशन हुआ, आधा मतलब ऊपर से नीचे आया, तब तक देखो ये पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ पे आया रहेगा, गेटिंग मी. अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ से ये पार्टिकल घूम के जब इधर आएगा, यानी जब पाई कितना, यानी 180 डिग्री कंप्लीट करेगा, तब आपका हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा. देखो, बोल सकता है हाफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू पाई. सिमिलरली 1/4 ऑसिलेशन इज इक्वल टू पाई बाई 2. 1/4 यानी कितना, यहाँ से लेके ऊपर गया और ये यहाँ से लेके यहाँ पे आया, विच इज 90 डिग्री, बराबर ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने ट्राई कर रहा हूँ? ओके, ये फेज हम एक बार वापस देखेंगे डिटेल में. अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी और प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन किस, डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, यानी लेट से दिस रेडियस वेक्टर जो मेरा रॉड है, लेट से, और ये मेरा डायमीटर, राइट, इसके एंगल पे डिपेंड करेगा ना, ये कितने एंगल से यहाँ पे मूव कर रहा है. लेट से देखो, इसने अगर इतना एंगल ट्रेस किया तो आपको यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट किसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, शैडो का जो टिप होगा उसके डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट. सो लेट से अगर आपका ये यहाँ पर है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वाई, ये रेडियस वेक्टर हमारा, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो एज अ रॉड विल कीप ऑन मूविंग, दिस डिस्प्लेसमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे यहाँ से नीचे आया डिस्प्लेसमेंट वापस नीचे होती जाएगा, राइट. तो हमको फिगर आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्शन का कितना होगा. तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो किस पर डिपेंड करेगा, वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा. पहला, मेरे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगा, यानी लेट से इट इज मूविंग विद 10 रेडियन पर सेकेंड और इट इज मूविंग विद 20 रेडियन पर सेकेंड, राइट. अगर वो 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है पार्टिकल, तो वो
कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर 20 रेडियन पर सेकंड से कर रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस, ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ही, एंगुलर स्पीड पर तो डिपेंड करेगा ही, इसके अलावा वो एक और चीज़ पर डिपेंड करेगा, दैट इज टाइम। बेसिकली कि आपका एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ओमेगा पे, एंगुलर स्पीड पे, और कितने टाइम के लिए आपको जाने दे रहे हो। लेट से कार है विच इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, आप मुझे बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कितने टाइम तक वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर दोनों चीज़ें रहेगा तो आप उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे आप जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टू थिंग, फर्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड सेकेंड इज टाइम टेकन। सो आपका ये एंगल डिपेंड करेगा इन दोनों चीज़ों, ये कितना एंगल बनेगा, राइट। लेट से दिस इज ओमेगा टी, जो भी एंगल बना। नाउ वन मोर थिंग जिस पे आपका ये इसका लेंथ डिपेंड करेगा वो ये होगा कि एग्जैक्टली आपका ये पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ। लेट से इफ दिस पार्टिकल स्टार्ट्स नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, लेट से फ्रॉम ए टू बी, राइट, तो आपका जो एंगल ट्रेस हुआ होगा वो एंगल होगा आपका ओमेगा टी, राइट। और वो एंगल के बेसिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। देखो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको चाहिए कि प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी चाहिए, बट लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट विच इज वाई, राइट। तो ऑब्वियसली जितना ये एंगल ज़्यादा होगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, जितना एंगल कम होगा उतना डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जैसे यहाँ से ये साइड चला गया तो वापस डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये एंगल डिपेंड करेगा ओमेगा टी पे, कितने स्पीड से मेरा पार्टिकल, ये जो रॉड है, रॉड के स्टिप वाला जो पार्टिकल है, कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, कितने टाइम के लिए हमने उसको जाने दिया, इन दोनों चीज़ पर डिपेंड करेगा। बट देर इज वन मोर लूप होल, वन मोर कैच इन दिस, कि ये एक और चीज़ पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करता है। लेट से पार्टिकल ने स्टार्ट ही इस पॉइंट से किया, उसने यहाँ से नहीं किया, उसने यहाँ से स्टार्ट किया। लेट से नाउ दिस इज माई ए, और जो मैंने उसको टाइम दिया उसके हिसाब से उतना इतना डिस्टेंस कवर किया ए टू बी। नाउ टेल मी, अगर वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता है तो पहले से इतना डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा ही, बराबर ना। उसके बाद ओमेगा टी, और ओमेगा टी के वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इतना, समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला था ये एंगल पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो रेडियस वेक्टर है जो मूव करेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बट अगर ये पहले ही थोड़ा आगे से स्टार्ट करता है तो पहले से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कंप्लीट एंगल विल नॉट बी जस्ट ओमेगा टी, इट विल ऑल्सो बी दिस टर्म, दिस इज ओमेगा टी, राइट। पूरा एंगल क्या होगा मेरा, थीटा हो गया, बट थीटा सिर्फ ओमेगा टी पर डिपेंड नहीं करता, वो इस पर डिपेंड करता है आपने कहाँ से स्टार्ट किया। और ये इनिशियली जो हमने पहले से थोड़ा सा बूस्ट मिल गया ना इतना सा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। पाई को हम बहुत बार इनिशियल फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल एंगल क्या बनना चाहिए, ओमेगा टी प्लस पाई। अगर देखो यहाँ पे भी फाई है बट फाई जीरो है, तो मैंने एंगल कितना लिया इस केस में, थीटा लेता मैं सिर्फ ओमेगा टी। इस केस में थीटा कितना लेता, इस केस में थीटा लेता ओमेगा टी प्लस फाइव, गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका फाइव कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे मान लो ये इतना बड़ा फाइव होता आपका, लेट से दिस कम्प्लीट इज फाइव, अगर मान लो पार्टिकल ने यहीं से स्टार्ट किया होता इस पॉइंट से, है ना, तो उसके बाद हमारा ओमेगा टी हमने इतना लिया, तो ये पूरा एंगल मैं थीटा लेता हूँ उसके, समझ में आ रहा है। सो फाइव इज नथिंग बट इनिशियल फेज, फाइव आपका हो गया इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज पे भी डिपेंड करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्योंकि देखो अब ये यहाँ से आगे आ गया यहाँ इस पॉइंट तक, आपका देखो ये थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली इस पर डिपेंड करेगा, अब कैसे डिपेंड करेगा वो हम फिगर आउट करने ट्राई करते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस रेडियस वेक्टर पे। रेडियस वेक्टर क्या हो गया, जो मेरे इस पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। इसलिए बेसिकली इसका रेडियस, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट वाई चेंज होगा। तो नाउ वी विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ इज बोथ ऑफ देम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और मेरा वाई के लिए मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा जिससे मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करना रहेगा इस एंगल का। एक बार मैंने एंगल का वैल्यू पुट कर दिया, मुझे सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।